लोग हमारी वैल्यू कब नहीं करते फ्रेंड्स। सो पांच चीज़ें हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब आपके साथ ऐसी कोई पांच चीज़ें पड़ेंगी सो लोग आपको वैल्यू देना इंपॉर्टेंस देना छोड़ देते हैं। सो हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप उन पांच चीज़ों को ध्यान रखें कि लोगों की नज़र में आपकी वैल्यू कतई कम ना हो। पहली चीज़ जो आती है वो ये कि जब लोगों को पता चल जाए कि आपका उनसे कोई काम नहीं पड़ने वाला, इट मीन्स आप डट फैलो हैं, डट मीन्स आप यूजलेस फैलो हैं, सो वो आपसे वास्ता रखना बंद कर देते हैं। क्योंकि लोगों की फितरत होती है वो उगते हुए सूरज को सलाम करते हैं और जिससे उनका काम पड़ता है उसके पीछे पीछे भागते हैं। सो आपको हमेशा अपने आप को इंपॉर्टेंट बनाकर रखना है, हमेशा अपने आप को इस तरीके का बना के रखना है कि लोगों को आपसे काम पड़े। एंड फ्रेंड्स इसी के साथ जो सेकंड पॉइंट आता है, जब हम खुद को वैल्यू देना बंद कर देते हैं यानी कि खुद को इंपॉर्टेंस देना बंद कर देते हैं, इट मींस हम हर जगह गाते हैं कि भाई मेरा तो काम नहीं चल रहा, आजकल मेरी तबीयत खराब रहती है, जिस चीज को हाथ लगाता हूं या लगाती हूं बेकार हो जाता है, मेरे अपने रिलेशनशिप तक खराब चल रहे हैं। सो जब आप इन चीजों का ढिंडोरा पीटते हैं सो वहां भी आपकी वैल्यू खुद ब खुद कम हो जाती है। सो आपको ध्यान रखना है कि ये सारी चीजें ढिंडोरा पीटने की नहीं होती हैं। और इसी के साथ साथ एक राज की बात बताऊं जो थर्ड पॉइंट है, जब आपके जेब में पैसे ना हो बाय गॉड कोई ना पूछता। सो हमेशा ध्यान रखिए कि आपकी अर्निंग बराबर बनी रहे, आपकी जेब में पैसे बराबर बने रहे, इट मींस यू मस्ट ऑलवेज बी अर्निंग फेलो। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स जो फोर्थ पॉइंट आता है, जब अपनी पर्सनालिटी में दमखम नहीं रहता, इट मींस जब हम अपने आप में लो फील करते हैं, एनर्जी लो होती है, जब अपने आप में तबीयत सी खराब लगती है, जब हम अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखते हैं, सो हम जब ढीले ढाले लोगों के सामने पेश आते हैं उस समय भी जो हमारी वैल्यू होती है वो कम हो जाती है। लोग हो सकता है कि हमसे थोड़ी सी सिंपैथी शो करते हैं, हो सकता है कि हमसे गलती से मुस्कुराकर बात कर लें, वो भी कम ही लोग करते हैं। आप अगर अपनी पर्सनालिटी पर वर्क नहीं करें, आप अपनी पर्सनालिटी को स्ट्रेट नहीं रखें, अपने आप को स्मार्टली मेंटेन नहीं करें, लोग आपको वैल्यू देना बंद कर देते हैं। सो नेवर एवर कॉम्प्रोमाइज ऑन दिस पार्ट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर अपनी किस्मत पर रोते रहते हो, खुद पर रोते रहते हो, परिस्थितियों पर रोते रहते हो और हर चीज पर रोते रहते हो, बिलीव मी दुनिया आपको भाव देना बंद कर देगी। सो अपने जो आंसू है ना डियर, बहुत प्रीशियस होते हैं, बिल्कुल हीरे की तरह होते हैं। सो इनको अगर बहाना भी है ना तो अकेले में बहाओ, दुनिया के सामने नहीं, लोग आपको बहुत हल्के में लेने लगते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स हमेशा ध्यान रखें कि जब भी दूसरों के सामने मुखातिब हों या जब दूसरों के सामने जाएं सो हमेशा बड़ी सी स्माइल के साथ जाएं। तो दोस्तों ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखिएगा, होप मेरे सारे पॉइंट्स आपको अच्छे लगे होंगे। सो इनको लाइक करना मत भूलेगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलेगा और अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना मत भूलेगा। और मेरे जिन फ्रेंड्स ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।